राशिद खान, अफगानिस्तानी जो टीम है, अफगानी जो प्लेयर्स हैं, वो इरफान पठान के घर गए हैं, वहाँ सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। ये तो फ्रॉड है सारा। कौन फ्रॉड है? इंडिया वाले। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। बात सुनिए, आप पाकिस्तानी हैं तो इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रही हैं? मैं तो सच बोल रही हूँ। सच छोड़े, इंडिया तो इंडिया को तो काम ही है, ये पाकिस्तानों को पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ाना। एक मुस्लिम कंट्री को नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशनशिप रखने चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर चाइना से दोस्ती क्यों है? आप दूसरा सवाल कर ले, हमें नहीं इंटरेस्ट। बस हवा निकल गई। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। पूरी अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से मैच से पहले इरफान पठान के घर गई थी। राशिद खान, नवीन उलक के साथ साथ पूरी टीम को ही इरफान पठान ने अपने घर पर इनवाइट किया था। उस वक्त वहां पर पाकिस्तान को छोड़ भारत की नागरिकता लेने वाले अदनान सामी और यूसुफ पठान भी मौजूद थे। जिस दिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो अफगानिस्तान की जीत की खुशी में राशिद खान के साथ इरफान पठान ने भी डांस किया था, लेकिन ये डांस देखकर पाकिस्तानियों की बहुत जली थी। अब पूरी अफगानिस्तान की टीम ही इरफान पठान के घर आई है, इसे देखकर पाकिस्तान ने फिर से चीखे मारना चालू किया है। इस वर्ल्ड कप 2023 में ओवरऑल अफगानिस्तान ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच भी अफगानिस्तान लगभग जीत ही चुका था। अफगानिस्तान के 291 रनों का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई टीम के सात बल्लेबाजों को अफगानिस्तान ने 91 रनों पर आउट कर दिया था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की नाबाद 201 रनों की शानदार पारी की वजह से अफगानिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। इस मैच में अफगानिस्तान की फील्डिंग भी कुछ खास नहीं रही, मैक्सवेल को 3 बार जीवनदान मिला था। मैक्सवेल इंजर्ड होने के बावजूद जब उनके पैर भी सही तरह से चल नहीं रहे थे तो सिर्फ अपने हाथों से उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अफगान टीम को इरफान पठान के घर देखकर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत गई है, भारत जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, बिस्ती करवा के आए हैं वो अपनी, भारत जाके बिस्ती करवा के आए हैं। बहुत बड़ी बेइज्जती कराई है, नहीं जाना चाहिए था। क्या बेइज्जती कराई है? कोई एक मैच तो जीत दे, वहाँ रह के पाकिस्तानी हार के आ गया, इंडिया रह के इंडिया को ही जिता दिया, ये कोई बात हुई? हमने जिताया है या उनकी मेहनत ने जिताया है? ये तो फ्रॉड है सारा। कौन फ्रॉड है? इंडिया वाले। इंडिया वाले फ्रॉड? बिल्कुल। ओह माय गॉड, कैसे? बस हम नहीं लगते अच्छे, नहीं लगते, मगर उनके खिलाड़ी तो पूरी दुनिया को अच्छे लगते हैं ना, उनका खेल तो पूरी दुनिया नहीं लगते। पूरी दुनिया बाहर में जाएगी, हम भी बाहर में जाएंगे। अच्छा, पूरी दुनिया बाहर में जाएगी तो क्या हम भी बाहर में जाएंगे? वैसे पॉइंट तो है, पूरी दुनिया जो करेगी वो क्या हम भी करेंगे? हमारा तो एक अलग लेवल है ना। तो अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करते भारतीय प्लेयर्स की, तो क्या कहती है आप, कैसी थी परफॉर्मेंस? खास नहीं थी। फिर वो जीते कैसे? बस उनके साथ गलत था। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। उनके साथ उनका नसीब में लिखा हुआ था, वो जीत गए, हमने दी उनको जीत। अब हम कहें कि हमारे नसीब में जो लिखा है वो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, मेहनत लगती है। मेहनत तो की हमारे प्लेयर्स ने, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने क्या बिरयानी खाने पे मेहनत की थी है, जाकर हैदराबाद की बिरयानी को मशहूर कर रहे हैं। जमी बात सुनिए, आप पाकिस्तानी हैं तो इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रही हैं? मैं तो सच बोल रही हूँ। सच छोड़े, इंडिया तो इंडिया को तो काम ही है, ये पाकिस्तानों को पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ाना, को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाना, ये इंडिया का काम? जी बिल्कुल। मुझे बताएं, मैं एक वीडियो देख रही थी अभी रिसेंटली, अफगानिस्तान को तो पता ही होगा आपको, अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो स्पेशल मीटिंग करने गए हैं, सेलिब्रेशन करने गए हैं इंडिया के प्लेयर्स के साथ। एक मुस्लिम कंट्री को नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशनशिप रखने चाहिए? बिल्कुल नहीं। नहीं रखने चाहिए, मैं कहती हूँ नहीं रखने चाहिए ना। अगर रिलेशनशिप अगर हम रखते हैं तो वो हमें अपने कल्चर के मुताबिक कहते हैं कि आप ऐसा करें आप ऐसा करें, हम अपने कल्चर से हटके क्यों काम करें? तो फिर चाइना से दोस्ती क्यों? चाइना में या भारत में? चाइना सही है। चाइना सही है, वो नॉन मुस्लिम नहीं है? है तो, पर मगर वो क्या कहते हैं, साथ अच्छे हैं। अच्छे हैं, मैं अपने कल्चर के मुताबिक रहने के वो नहीं करते, कल्चर के मुताबिक नहीं डालते वो। तो इधर आपने ये जो सारी चीजें पकड़ी है मेड इन चाइना की है। क्या करें, पाकिस्तानियों को अपनी चीजें बनाने का शौक है। मुझे बताओ, ये भारत ने दूसरी टीम्स के साथ क्यों इतनी बनाई दी है? अफगानिस्तान जब जीता था तो उन्होंने भारत का झंडा लहरा दिया था। शेर होता है वो अकेले ही आता है, उनको डर लगता है इसलिए वो सबके साथ आते हैं। कौन सबके साथ आते हैं? वो सबके साथ आते हैं, हम अकेले ही जाते हैं। भारत की बात कर रहे हो? तो भारत सबके साथ आता है ना, सब कुछ दोस्ती बनाई हुई है उन्होंने। अच्छा, सबके साथ दोस्ती है वो लोग। किससे डरते हैं? हम सबसे, पाकिस्तानियों से।
माय गॉड, ओ माय गॉड, हमसे डरते हैं। एग्जैक्टली। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती देखकर ये दो पाकिस्तानी लड़कियां बोल रही थी कि एक नॉन मुस्लिम देश के साथ एक मुस्लिम देश को रिलेशन नहीं रखने चाहिए। लेकिन जब इन लड़कियों से पूछा गया कि फिर पाकिस्तान ने चाइना के साथ क्यों रिलेशन रखा है, इस पर इनके मुंह बंद हो गए और इसका कोई जवाब ये लड़कियां नहीं दे पाई। इसके साथ ही ये लड़कियां बोल रही थी कि भारत से अच्छा तो चाइना है। इन पाकिस्तानियों को जो पैसे देखकर बिक जाते हैं, इनको चाइना पसंद तो आएगा ही। बीच में पाकिस्तान से एक खबर आई थी कि जो चाइनीज लोग किसी प्रोजेक्ट पर काम करने जब पाकिस्तान जाते हैं तो पैसे देकर वहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं, और जब इनको वापस चाइना जाना होता है तो उन लड़कियों को पाकिस्तान में ही छोड़कर ये चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को इससे कुछ मतलब नहीं है, इनको बस कुछ चंद पैसों से ही मतलब होता है। अफगान लोगों का भारतीयों के साथ घुलना मिलना पाकिस्तानियों को कैसे बर्दाश्त हो सकता है? जब अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था ये सोचकर कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के कहने पर चलेगा, लेकिन तालिबान ने भी पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया था और पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई थी। अफगानी लोगों से पाकिस्तान इतनी नफरत करता है कि पाकिस्तान ने हाल ही में 40-40 साल से पाकिस्तान में रहने वाले अफगान लोगों को अफगानिस्तान वापस जाने के लिए बोल दिया। मुसलमान के नाम पर हमास के साथ खड़े होने वाले पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मुसलमान नहीं देखते, इसलिए मेजर गौरव आर्या जी इन पाकिस्तानियों को दोगला बोलते हैं। इनसे बड़ा दोगला देश दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। और अफगानिस्तान टीम ने भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया और मैच जीतने के बाद पूरे स्टेडियम में घूमकर जीत का जश्न भी मनाया। और इसमें इरफान पठान ने राशिद खान के साथ डांस करके पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया, इसलिए ये पाकिस्तानी इरफान पठान पर इतने उखड़े हुए हैं। लेकिन इरफान पठान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी भारतीय पाकिस्तान की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।